ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ऑनर की चीज होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति और बस एक कदम पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रोटोकॉल जो होता है उसमें राष्ट्रपति को सबसे आगे रहना होता है और उसी प्रोटोकॉल के तहत इस वक्त आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को सलामी मंच तक लेकर जाया जा रहा है। ये प्रोग्राम मिनिस्टर ऑफ डिफेंस पूरा कंट्रोल करते हैं, इसलिए वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर और बाकी डिफेंस सेक्रेटरी सब होते हैं, क्योंकि एक मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का वो एक मिनिस्ट्री है जिसको ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। जी अभी अंकित, इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैग होस्टिंग एग्जाम फ्लैग अनफर्लिंग होता है, क्योंकि ये रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी 1950 को जो पहला रिपब्लिक डे मनाया गया था तो भारत स्वतंत्र तो था पर वो रिपब्लिक हुआ था, तो इसलिए जो झंडा है उसको अनफर्ल किया जाता है कि वो झंडा पहले ही है लगा हुआ, उसको अनफर्ल किया जाता है। जबकि 1947 में जो 15 अगस्त था हमने जो था फ्लैग होस्ट किया था, पहली बार फ्लैग था, ये भी इंडिपेंडेंस डे पे होस्टिंग होता है और रिपब्लिक डे पे अनफर्ल होता है, ये भी पता होना चाहिए हमारे दर्शकों को। जरूरी और बारीक बातें हैं जो हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, जरा एक बार यहाँ पर सुनाते हैं। राष्ट्रपति अंगरक्षक यहाँ पे अब इजाजत लेंगे यहाँ से जाने की, सलूट देंगे। भारत में निर्मित स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी देने के बाद अब जो जैसे कहा जा रहा था चार अब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आपको दिखाई पड़ेंगे।